तो बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले कुछ बात होगी मौसम की। अहम खबर यह है कि हजारा डिवीजन में बर्फबारी का 10 साल रिकॉर्ड टूट गया है। शोघना कागा रोड बंद होने से सैकड़ों सयाह फंस गए हैं और मरी ने भी सफेद चादर ओढ़ ली है। आपको बताएं कि सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियों के फिसलने के वाकयात भी सामने आए हैं, जिसके बाद सयाहों को सफर से गुरेज करने का मशवरा भी दिया गया है। एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की रवानी में तातुल है, जबकि महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी आइंदा 24 घंटे के दौरान भी जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। हजारा डिवीजन में बर्फबारी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। शोघना कागान रोड बंद होने से सैकड़ों सयाह यहाँ पर फंस गए हैं। मरी ने भी सफेद चादर ओढ़ ली है और बड़ी तादाद में शहरी यहां पर पहुंचे हैं एंजॉय करने के लिए। इसी हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। स्कर्दू और हुंजा समेत गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में शदीद बर्फबारी ने जिंदगी मुंजमद कर दी। लैंडस्लाइडिंग और सड़कें बंद होने से सयाह बर्फपोश वादियों में फंस गए। नकलो हरकत महदूद होने से इन इलाकों में पेट्रोल और खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई। शदीद सर्दी के बाइस लकड़ियां फरोख्त करने वालों की भी चांदी हो गई। चित्राल में बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया, जबकि इक्का दुक्का शख्स ही इंतहाई मजबूरी में बर्फ से ढकी वादी में नजर आया। शांगला में बर्फबारी से सवात बशाम और अलपोरी पोरन समेत कई राबता सड़कें भी बंद हो चुकी हैं। शदीद सर्दी से जो जहां था वहीं जमकर रह गया। मरी में भी बर्फबारी ने सयाहों को मलेगा कोहसार के दीदार पर उकसाया। तुमार रोड पर ट्रैफिक जाम और राहगीरों के लिए चलना दो भर हो गया। मारगला की पहाड़ियों पर गैर मुतवक्के बर्फबारी पर पीर सुहावा और दामने कोह जाने वाले रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी, जिससे मौसम से लुत्फानंदोज होने वालों को पहले मुश्किल से दो चार होना पड़ा। उधर रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, कोयटा और कल्लात में सर्दी जाते जाते फिर से लौटी तो सुई गैस के मसले ने भी सर उठाने में देर नहीं की, जिस पर घरेलू खवातीन सर पीट कर रह गयी।